वी आर डूइंग हाइब्रिडाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। गुड इवनिंग सर। हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, आइए पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। इट इज डिफाइंड एज अ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंबाइन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म एंड दे ऑल हैव इक्वल एनर्जीज एंड शेप, द न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस डेफिनेशन को पढ़ के मुझे पूरा पक्का क्लियर है कि आपको नहीं क्लियर हुआ होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल समझने के बाद उम्मीद करते हैं आपको काफी आसान लगेगा। आइए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल कर रहे हैं, आइए एग्जाम्पल है क्या, मान लीजिए आप किसी गेट टुगेदर में गए, आप किसी गेट टुगेदर में गए एंड आप और आपका फ्रेंड इकट्ठे बैठे हुए हैं, और आपने क्या किया, आपने कोल्ड ड्रिंक वाले को इनवाइट किया कि आप इधर आइए मेरी बात सुनिए, आपने उससे लिमका ले लिया, आपने उससे लिमका का ग्लास ले लिया, ये आपके फ्रेंड हैं, इन्होंने उनसे कोक ले ली, कोक। उन्होंने कोक ली, तो प्लीज तो आपने लिमका ले ली, आपके फ्रेंड ने कोक ले ली, आप सफिशिएंट, आपने ईटेबल्स खा चुके थे शादी पे, आपने इसको क्या किया, एक जग लिया और इसके अंदर आपने लिमका और कोक को मिक्स कर दिया, कितने ग्लासेस मिक्स किए, दो ग्लास, एक लिमका का एक कोक का, और बाद में आपने फिर क्या किया, इनको दो डिफरेंट ग्लासेस में डाल दिया, आपने इन्हें दो डिफरेंट ग्लासेस में डाल दिया एंड दोनों ने अपने अपने ग्लासेस को पिक कर लिया। आपका एक फ्रेंड आया, आपसे पूछता है क्या पी रहे हो, यू रिस्पॉन्डेड मैं तो एलसी पी रहा हूं, दूसरे से पूछा आप क्या पी रहे हो, वो कहता मैं एलसी पी रहा हूं, तो थोड़ी देर उसने सोचा और मुस्कुरा के बोला अच्छा लिमका और कोक मिक्स करती है, लिमका और कोक को मिक्स किया है आपने, वो कहता मैं भी पीऊंगा, मैं भी पीऊंगा, तो आपने क्या किया, इन ग्लासेस को थ्रो कर दिया। अब तीन पर्सन थे, तीन ग्लासेस लिए गए, अब जब तीन ग्लासेस लिए गए उसने भी कोक ले ली, क्या ले ली, कोक। आप बताइए कितने फ्रेंड्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, तीन। अब तीनों ग्लासेस को मिक्स कर दिया गया जग में, तीनों ग्लासेस को जग में जब मिक्स किया गया, ये कोक डाल दी गई, ये लिमका डाल दी गई, सॉरी पहले लिमका डाला फिर कोक डाला, फिर अगेन से क्या डाल दिया गया, फिर अगेन से कोक डाल दी गई। कोक का कलर हम सेम कर देते हैं, तो ये हमने कोक डाल दी। अब कितने ग्लास मिक्स किए गए, तीन,
कितने ग्लास मिक्स हुए? तीन ग्लासेस को मिक्स किया गया। अब बनेंगे भी कितने? तीन ग्लासेस बनेंगे। अब ये तीन ग्लासेस बनाए गए, जो ये तीन ग्लासेस बनाए गए, इन तीनों का नाम क्या रखा गया? आप इसको तीन बार बना लेते हैं, हम इसको तीन बार बनाते हैं, एक बार, फिर ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, तीनों को सेम भी कर देते हैं क्योंकि है ही सेम बिल्कुल, ये तीन, दे आर आइडेंटिकल। पहले ग्लास का नाम होगा एलसी स्क्वायर, दूसरे का भी एलसी स्क्वायर, दूसरे का भी एलसी स्क्वायर। अब एक फ्रेंड आया, कहते क्या पी रहे हो? तीनों फ्रेंड्स ने बोला हम तो एलसी स्क्वायर पी रहे। क्या पी रहे? एलसी स्क्वायर। काफी देर सोचता रहा, कहता अच्छा, एक ग्लास लिमका का और दो ग्लास कोक के मिक्स किए हैं तुमने, तभी एलसी स्क्वायर पी रहे हो। तो आप मुझे बताइए, ये जो तीन ग्लास बने, इनका कलर सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा। यस सर, सेम होगा। टेस्ट सेम होगा। सेम होगा। सेम 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 होगा। ये नाम क्या इंडिकेट कर रहा है? ये किससे बने हैं? एलसी स्क्वायर क्या समझा रहा है? एक लिमका दो कोक को मिक्स किया गया, एक लिमका और दो कोक को मिक्स किया गया है। तो अब चौथा दोस्त आ गया, वो कहता मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। चलो, इन सब ने शादी में फ्री का होता है, कुछ ने कोल्ड ड्रिंक पी, कुछ ने फेंक दी, फिर से किसको बुला लिया गया? फिर से कोल्ड ड्रिंक वाले को बुला लिया गया। एंड अब फिर से चारों ने अपने अपने ग्लास उठा लिए, चारों ने अपने अपने ग्लास उठाए। इस वाले ने तो उठाया जी कोक। क्या उठाया? कोक। कोक का कलर हम सेम कर देते हैं, रेड ले लेते हैं। इन्होंने, इसने कोक उठाया, ये कोक उठा लिया। इसने, इस भाई साहब ने स्प्राइट उठा ली। स्प्राइट को हम कोई और कलर दे देते हैं, चलो ग्रीन से लुक दे देते हैं। इसने स्प्राइट उठा ली। अब बताइए, इन चारों ने इसको मिक्स कर दिया। मिक्स किया तो एक ग्लास स्प्राइट का, एक ग्लास, दो ग्लास कोक के, एक ग्लास लिमका का। कितने ग्लास मिक्स किए? चार। बनेंगे कितने? चार ग्लास बनेंगे। ये पहला ग्लास, दूसरा ग्लास बना देते हैं, ये दूसरा ग्लास है, ये तीसरा ग्लास है, ये चौथा ग्लास है। द ग्लासेस आर आइडेंटिकल। चारों में कोल्ड ड्रिंक इन्होंने डाल ली अपनी, मिक्स कर ली। और चारों का नाम क्या होगा? कोई नाम बता सकता है क्या होगा? सर, LLC square। इसका क्या होगा? LC square S। हाँ जी बोलिए सर, प्लीज रिपीट कर दो, मेरा कनेक्शन नहीं आ रहा था। कौन बोल रहे हैं सर? प्लीज रिपीट कर दो, मेरा कनेक्शन नहीं आ रहा था। सर प्लीज रिपीट कर दो, नाम बताइए पहले। सर अपना नाम बताइए। विश्वजीत सर। विश्वजीत। विश्वजीत जी, टाइम पे लॉग इन करिए, गलत बात है ये। विश्वजीत हाँ, मैं सुन लिया।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। गुड इवनिंग, मैं लॉग इन तो टाइम पे किया था। अब छोड़ दीजिए सर, अब सिर्फ एग्जाम्पल को समझिए। हाइब्रिडेशन जस्ट स्टार्ट किया मैंने, एग्जाम्पल समझ आएगा, हाइब्रिडेशन अपने आप समझ आ जाएगी। जस्ट अभी पहला शुरू से समझा रहा हूं। एक फ्रेंड है जो पार्टी में गया, उसने लिम्का का ग्लास उठाया है, दूसरे फ्रेंड ने कोक का ग्लास उठाया है, तीसरे फ्रेंड ने भी कोक का ग्लास उठाया है, चौथे फ्रेंड ने स्प्राइट का ग्लास उठाया है, चारों ने अपनी कोल्ड ड्रिंक इसमें मिक्स कर दी है। इसमें क्या मिक्स किया गया? लिम्का, कोक, कोक, स्प्राइट। कितने ग्लास मिक्स किए गए? चार। इससे बनेंगे भी कितने? चारों ग्लास। चारों ग्लास का नाम क्या होगा? LC-Squares। LC-Squares क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इसके अंदर लिम्का का एक ग्लास, कोक के दो ग्लास, स्प्राइट का एक ग्लास है। क्या आपको एग्जांपल समझ आया है? यस और नो? यस सर। चार ग्लास मिक्स कर रहे होगा तो बनेंगे कितने? चार। चारों का कलर, टेस्ट, एनर्जी सब सेम होगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं एस और पी को मिक्स करता हूं, कितने मिक्स हो रहे हैं? टू। बनेंगे कितने? दो बनेंगे एसपी वाले। एसपी वाले दो ऑर्बिटल होंगे, दोनों का नाम एसपी है, एक एस दो पी। कितने कंबाइन हो रहे हैं? एक एस दो पी, कितने कंबाइन हुए? थ्री। तो तीनों का नाम क्या होगा? sp2। तो आइए मैं अब डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर और समझ आएगा। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है जो अभी सामने आ रहा है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? इट इज डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंबाइन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म। दे ऑल हैव इक्वल एनर्जीज एंड शेप। द न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आइए फिर से एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए, अब मैं टेक्निकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है। कितने कंबाइन कर रहे हैं? सर टू। कितने कंबाइन कर रहे हैं? टू सर। टू कंबाइन कर रहे हैं, तो दो ही बनेंगे। पहले का नाम एसपी होगा, दूसरे का नाम भी एसपी होगा। देखिए, एस में सफेरिकल करेक्टर होता है, तो क्या आपको इसमें कुछ हद तक सफेरिकल करेक्टर दिख रहे हैं? यस सर। यस सर। में ये क्रॉस बनता है, देखो ये, देखो ये क्रॉस बना हुआ है यहाँ पे, ये क्रॉस बना, देखो इसमें क्रॉस दिख रहा है आपको? यस सर। जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ। इसको नोट करना है? नहीं नहीं, अभी सर समझना है। जब इम्पोर्टेंट, जब नोट करने वाला है तो मैं बताऊंगा। पहले आप ये समझिए, एस पी कितने कंबाइन हुए? दो। दो कंबाइन हुए तो बनेंगे कितने? दो ही बनेंगे। दोनों का नाम क्या होगा? एस पी। अब देखिए, एक एस का दो पी के कंबाइन हुए, कितने कंबाइन हो रहे हैं? तीन। बनेंगे भी कितने? तीन बनेंगे। पहले का नाम होगा sp2, दूसरे का नाम होगा sp2,
तीसरे का नाम होगा SP2। जितने कंबाइन होंगे उतने ही बनेंगे, जो बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे। ये फ्री हैंड बनाए जा रहे हैं इसलिए आपको कोई बड़ा या छोटा लग सकता है, ये फ्री हैंड बनाने हैं और ट्राई करना है इक्वल बन जाएं। और तीनों का नाम क्या होगा? SP2। अब मान लीजिए अगर मैं एक एस का लेता हूं, तीन पी के लेता हूं, आप बताइए कितने कंबाइन कर रहे हैं? चार। तो चार बनेंगे, चारों का नाम क्या होगा? SP3। ये एस है और ये पी है। SP3 आपको नाम से क्या समझा रहा है कि इसमें एक एस का और तीन पी के ऑर्बिटल हैं, कंबाइन चार हुए हैं तो बने भी चार ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दादाजी का नाम ए, पापा का नाम पी, आपका नाम हो गया AP। जैसे पुराने जमाने में होता था, अपना नाम बताइए, राम कुमार, श्याम कुमार, गुप्ता। अच्छा तेरे दादा का नाम राम कुमार, तेरा श्याम कुमार, ऐसे नाम से वो बता देते थे ये किसका बेटा होगा। तो वो लाइक नेम विल जस्टिफाई व्हाट यू आर। तो द सेम वे SP जब हम बोलेंगे तो आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब मैं SP बोल रहा हूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? वन ऑर्बिटल ऑफ एस एंड वन ऑर्बिटल ऑफ पी, कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड पी। कंबाइन कितने हुए हैं? टू। बने कितने होंगे? टू। और दोनों का नाम क्या होगा? SP। SP। SP2 क्या इंडिकेट कर रहा है? SP2 क्या इंडिकेट कर रहा है? एक एस का और दो पी के, दो पी के कितने कंबाइन हुए होंगे? तीन। बनेंगे भी कितने? तीन। तीनों का नाम क्या होगा? सर तीन में SP2। एक एस का तीन पी के कितने कंबाइन हुए? चक्की ना शायद मेरी क्लास काट दे। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर किसी की पीछे से कोई भी आवाज आ गई मैं सीरियसली वेटिंग रूम में डाल देता हूँ। आप कहेंगे तो मैं आज के लिए उसकी छुट्टी भी कर देता हूँ। किसी एक बच्चे की गलती से सब डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो प्लीज अपने माइक्स को ऑफ रखिए, ठीक है? अब सुनिए, एक एस का है, तीन पी के, तो क्या बना? चार ऑर्बिटल बन गए SP3 के। बोली यहां तक समझ आया? ओके, मैं और समझा रहा हूं, सुनिए, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, मैं थोड़ी जगह बचा रहा हूं, मैं इसको रब करके ना ऐसे लिख देता हूं, ये दो SP के हैं, ठीक है? इसको मैं रब कर देता हूं। आप एक काम करो, पहले ना आप नोट करना चाहेंगे? आपने इतना नोट करना हो तो पहले नोट कर लो, आप इतना नोट कर लीजिए। हाँ जी, आगे चल रहे हैं, आपने उम्मीद करता है नोट कर लिया है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। अब दोबारा से डेफिनेशन पढ़ेंगे आराम से। It is defined as the mixing of atomic orbital of slightly different energies. The number of orbital combined, यहां से पढ़िए, the number of orbital combined is equal to the number of orbital formed. पहले इस लाइन का मतलब समझ आया आपको? जितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। LC में कितने कंबाइन हुए थे? सर टू। तो बने कितने थे? टू। LC स्क्वायर में? सर टू। थ्री। दो तीन कंबाइन हुए तो बने भी तीन थे। SP में क्या हुआ होगा?
कंबाइन कितने हो रहे हैं? टू. तो बने भी कितने होंगे? टू. 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 एसपी टू में थ्री. थ्री. तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? यस सर. यस सर. स्लॉट्स मैं सारे कराऊंगा. दे ऑल हैव इक्वल एनर्जीज एंड शेप. अब हम आप कह रहे हैं एस का एक था, पी का भी एक था, दो बने एस पी के. इनकी शेप, साइज, एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? सर सेम होगी. सेम. एक एस का कंबाइन हुआ, एक पी का, बने कितने? दो. दो बने. दोनों का शेप और साइज सेम होगी या नहीं होगी? एनर्जी सर होगी. सर तो कह रहा है दे ऑल हैव इक्वल एनर्जीज एंड शेप. इज इट क्लियर? यस सर. ये सेकंड ब्रैकेट क्लियर है? यस सर. द न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये तो उसका नाम रख दिया. ये जो ऑर्बिटल बन रहे हैं इनको क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल. हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? इंटरमिक्सिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब सिर्फ एक चीज रह गई, कौन सी वाली? अब आपको जो डाउट होगा वो ये होगा, इट इज डिफाइंड एज अ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी. ये वाला भी क्लियर नहीं हुआ होगा. यस और नो? यस सर. पहला ग्लास किसने उठाया? सुखदीप बेटा ने. यस और नो? यस सर. देख लो, बुरा तो नहीं मानोगे? नो सर, बिल्कुल नहीं. इन्होंने लिमका उठा लिया. आपकी कोई फ्रेंड हो क्लास में? अभी कोई भी नहीं है ना, मिले ही नहीं किसी को. यस सर. दूसरा ग्लास कौन उठाना चाहेगा? सर आप उठा लो. हैं जी सर, क्यों मेरे से क्यों ग्लास उठवाते हो? बोलो. चलो कोई भी उठा लो. दर गुणराज. चलो जी, गुणराज ने उठा लिया. उन्होंने भी लिमका उठा लिया. इन दोनों ने ग्लास को मिक्स कर दिया. कितने ग्लास मिक्स हुए? दो सर. टू. दो मिक्स हुए. बनेंगे कितने? टू. पहले का नाम एल्सकेयर, दूसरे का नाम एल्सकेयर. कोई मीनिंग बना? अगर कोई देख रहा हो कि अगर कोई थर्ड पार्टी देख रही हो कि पहले लिमका लिया गया, फिर लिमका लिया गया, उसको मिक्स किया गया और फिर अलग कर लिया गया, व्हाट डू यू से? यू विल से हॉरिबल. यस और नो? यस सर. यस सर. यूज योर कॉमन सेंस. दो बंदे बैठे हैं, दोनों ने लिमका उठाया, जग में मिक्स किया, फिर अपने अपने ग्लास में डाल के पीने लग पड़े, व्हाट यू से? हॉरिबल. यस और नो? यस सर. सर लिमका लेके मिक्स करके अलग पीने की कौन सी सेंस बनती है? क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो सर. तो सेम चीज को मिक्स करने का फायदा ही नहीं है. लिमका में कोक मिक्स करते हो समझ आता है, पर लिमका में लिमका मिक्स कर देते हो तो क्या समझ आता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी. एस में एस को मिक्स करूंगा, दो एस बन गए, क्या सेंस बनी? एक एस होना चाहिए, एक पी, तो दो एस पी बन गए. एक एस, दो पी, तीन एस पी टू बन गए. क्या सेंस नहीं बन रही? पी प्लस पी. कोई सेंस बन रही है? पहले मुझे व्हाइट इन्वर्टेड कॉमा का मतलब बताइए, समझ आया कि नहीं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी. हाँ या ना? यस सर. क्या आप कभी किसी शादी में जाके दो लिमका मिक्स करके अलग करके पीना पसंद करेंगे? नो सर. देखने वाला क्या बोलेगा? पागल हो गया बंदा. हाँ, ये वर्ड मैं बोल नहीं पा रहा था. ठीक है, तो इसीलिए अब बताइए, इस डेफिनेशन को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया.
तीनों ब्रैकेट्स को देखो, समझ आया है? यस सर। हाँ सर। ओके, अब आप ये देखिए, सिर्फ डेफिनेशन को समझाने में मुझे लगता है 15 से 20 मिनट लग गए, पर उम्मीद करता हूँ सारा क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन क्या है। अब आप इसको नोट करेंगे, मैं सारा क्लियर कर रहा हूँ, अब आप इसको जल्दी से नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब ये इसके पोस्टुलेट्स हैं, फीचर्स हैं। आइए पढ़ते हैं। ओनली दोज ऑर्बिटल टेक पार्ट विच हैव अ स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी, ये हमने क्लियर कर दिया इसका क्या मीनिंग होता है। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, जितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। It never occur in isolated atom, and it occurs at the time of bond formation. ये molecules के लिए होती है hybridization, atoms के लिए नहीं होती। मान लीजिए आपने कोई molecule बनाया, like water बनाया, तो hybridization water की होगी, ना कि oxygen atom की होगी। Hybridization हमेशा ही किसकी होगी? मॉलिक्यूल की, अमोनिया की होगी, BeH2 की होगी, आपकी CH4 की होगी, मॉलिक्यूल्स, पर एटम की नहीं होगी, ऑक्सीजन की नहीं होगी, नाइट्रोजन की नहीं होगी, आपकी फ्लोरीन की नहीं होगी। इट इज फॉर मॉलिक्यूल्स, नॉट फॉर एटम्स। हाँ जी बोलिए, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, इट नेवर ऑकर इन आइसोलेटेड एटम्स, मीन्स इट इज फॉर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की भी तब होगी जब बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट द ज्योमेट्री। अब इसका क्या मतलब है, ये समझा रहा हूं, आइए इसको समझते हैं। आपने नंबर ऑफ वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन पेयर दो थे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहां लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर दो हैं। बताइए दो में शेप क्या होती थी? लीनियर होती है, एंगल 180 होता था। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, क्या होगी sp, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3, शेप क्या थी? ट्राइगनल प्लेनर। तो ट्राइगनल प्लेनर जो शेप थी वो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4, शेप क्या थी? टेट्राहाइड्रल वो हो जाएगी sp3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5, ट्राइगनल बाय पिरामिडल हो गया, इट इज sp3d। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ऑक्टाहाइड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल, बिल्कुल ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन पेयर 6, मैं अभी चेंज कर रहा हूं बच्चे, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, sp3d2, last is 7th, 7th is pentagonal bipyramidal, just a minute,
and it is sp3d3. जहां भी आपने ये चार्ट बनाया हुआ है उसके साथ एक कॉलम ऐड कर लीजिए और लीनियर के आगे sp, ट्राइगनल प्लेन के आगे sp2, टेट्राइडल के आगे sp3, ट्राइगनल बायपिरामिडल के आगे sp3d एंड स्क्वायर बायपिरामिडल के आगे sp3d2 एंड पेंटागनल बायपिरामिडल के आगे sp3d3। बस इतनी ही हाइब्रिडाइजेशंस होती है। एस का एक होता है तो एक ही आ सकता है, पी के मैक्सिमम तीन होते हैं वो तीन आ सकते हैं, डी के होते तो पांच हैं पर वो मैक्सिमम तीन तक ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d3। स्टार्ट कहां से करना है, sp से, दैट इज लीनियर, sp2 ट्राइगनल प्लेनर, sp3 टेट्राइडल, sp3d ट्राइगनल बायपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 इट्स पेंटागोनल बायपिरामिडल। बोलिए समझ आ गया आपको, ये आप अपने चार्ट में एक कॉलम ऐड भी कर दीजिए जल्दी से, सिर्फ लिखना ही है। हो गया? Yes sir, done so. Okay, okay. Can I rub this? I'm just rubbing this. I think so you have noted down. Okay. मैं क्लियर कर रहा हूं। द टाइप ऑफ द, द्वारा से पढ़ रहे हैं, द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, इज द थिंग क्लियर? व्हाट इज एसपी, व्हाट इज एसपी? लीनियर, लीनियर। एसपी टू ट्राइगनल प्लेनर, ट्राइगनल प्लेनर। एसपी थ्री tetrahedral, sp3d trigonal bipyramidal, sp3d2 octahedral, sp3d3 pentagonal bipyramidal। The type of the hybridization indicates the geometry of the molecule। क्या आपको ये clear हो गया? क्या आपको ये point clear हो गया? The type of the hybridization indicates the geometry of the molecule. आगे, not only half-filled, even completely filled orbital can take part in hybridization. Half-filled होता है nitrogen. अब मान लीजिए ammonia आ गया. Ammonia में nitrogen क्या है? Nitrogen is half-filled. Nitrogen is half-filled. पर अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी। ज़िनॉन XCO2, ज़िनॉन इज अ नोबल गैस, ज़िनॉन इज अ नोबल गैस, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी। वो कहता है एटम चाहे हाफ फिल्ड हो चाहे फुली फिल्ड हो, अगर उसने मॉलिक्यूल बनाया है तो उसकी क्या होगी, उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी। Not only half-filled, even completely filled orbital can take part in hybridization. चाहे orbital पूरे भरे हों, चाहे आधे भरे हों, अगर वो molecule बना रहा है, तो उसकी hybridization होगी। पहले आप मुझे ये बताइए, first point फिर से पढ़ रहा हूँ, आपने मुझे बताना है clear हुआ कि नहीं। Only those orbital take part which have a small difference in energy. मैंने लिम्का प्लस लिम्का का एग्जांपल दिया था। पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंबाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल गोइंग हाइब्रिडाइजेशन अंडर हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर? यस सर। जितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। यस सर। लिम्का कोक को मिक्स किया तो मिक्स भी दो होंगे, बनेंगे भी दो। इट नेवर ऑकर इन आइसोलेटेड एटम, इट ऑकर्स एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये एलिमेंट्स की नहीं होती, मॉलिक्यूल्स की होती है। क्लियर हो गया? यस सर। यस। टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। यस सर। नॉट ओनली हाफ फिल्ड इवन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। यस सर। कोई ऐसा पॉइंट जो ना क्लियर हुआ हो? नो सर। अब आप अच्छे बच्चों की तरह इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट है
इसके अब एग्जांपल्स करने लगे हम. एग्जांपल समझा रहे हैं. इसमें जो पहला ऑर्बिटल है आप चेक करिए ये ऑर्बिटल कौन सा है. सर एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल. पी के कितने हैं सर. थ्री. टोटल कितने कंबाइन हो रहे हैं. फोर. तो पहले का नाम एसपी थ्री, दूसरे का नाम भी एसपी थ्री, तीसरे का नाम भी एसपी थ्री, चौथे का नाम भी एसपी थ्री. आइए मैं आपको ये जो डायग्राम है समझाता हूँ कैसे बना. एक एस का, तीन पी के, चार ऑर्बिटल बने, चारों का नाम एसपी थ्री. एसपी थ्री की शेप क्या थी. टेट्राहेड्रल. अब देखिए टेट्राहेड्रल कैसे बना रहे हैं. ये ऊपर की तरफ मैंने ये वाला बनाया. अब मैं ये वाला बना रहा हूं दिस वन. अब मैं ये वाला बना रहा हूं. अब मैं ये वाला बना रहा हूं. क्या आपको टेट्राहेड्रल शेप दिख रही है इसमें. इसमें ये वाली शेप दिख रही है आपको. यस सर. यस सर. तो वो ये कह रहा है देखो ये देखो इसने भी एक ऊपर की तरफ एक इस तरफ एक इधर और एक इधर. आपको इतना 3D डायग्राम्स नहीं बनाने हैं, आपको ये वाले बनाने हैं. एक एस का, तीन पी के, एक एस का, तीन पी के, तो चार एस पी थ्री हो गए और चारों कंबाइन होकर टेट्राहेड्रल में लग गए. मैं फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ. अगर मुझे अगर चलो मैं कोई और एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ. अगर मान लीजिए मुझे लीनियर बनाना होता तो मैं कैसे बनाता. एक एस का, एक पी का, कितने कंबाइन हुए, दो बनेंगे, कितने, दो. दोनों का नाम क्या होगा, एस पी. एस पी की शेप लीनियर होती है तो कुछ इस तरह से होता है ए बी टू, ऐसा होता है लीनियर. एक इस तरफ और दूसरा. देखो ये एंगल 180 डिग्री है या नहीं. यस सर. सर समझ आया है. यस सर. यस सर. तो कलर चेंज कर देता हूँ. ये एंगल देखो समझ आया. यस सर. चलो ये जस्ट बनाना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए था बस. अब आगे हम बनाएंगे. आइए आगे चल रहे हैं. ये सारा मैं वैसे बता भी चुका हूँ. अब आए, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया. BeCl2 बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. सॉरी जस्ट वेट. बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. 1s2 2s2 3s2. मैं साइड साइड पे करके दिखा रहा हूँ. बेरिलियम इट्स 1s2 2s2. आउटर शेल पार्टिसिपेट करते हैं तो 1s2 तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. कौन पार्टिसिपेट करेगा. 2s2. 2s2. थोड़ा बड़ा बनाते हैं, विजिबिलिटी और बेटर हो जाए. 2s2. ये दो इलेक्ट्रॉन. इसके आगे 2p ऑर्बिटल है जो कि खाली है. 2p जीरो है तो मैंने p के तीन ऑर्बिटल बना दिए बट वो खाली है. ये 2s में कितने अनपेयर्ड है. अनपेयर्ड होता अकेले. अगर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे अनपेयर्ड कहा जाएगा. अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो उसे पेयर्ड कहा जाएगा. अब आप मुझे बताइए 2s में कितने अनपेयर्ड है. जीरो. 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 कितने. जीरो. जीरो. पर जितने अनपेयर्ड होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएगा यहाँ. अब कितने अनपेयर्ड हो गए. वन. टू. ये भी तो अनपेयर्ड हो गया. हाँ जी सर. एक एस का अनपेयर्ड हो गया, एक पी का. क्लोरीन के, क्लोरीन ने अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया
और बॉन्ड बना लिया, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्लोरीन का है, इसके साथ कौन लग गया, क्लोरीन लग गया। कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए? एस एन पी। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? एस पी। बोलिए समझ आया? यस सर। आई विल सॉल्व 10 एग्जांपल्स। If you understand 50% of the example, that is fine. सबसे पहले क्या लिखना है? Central atom configuration. Configuration क्या है? 1s2, 2s2, 2p0. कौन participate नहीं करेगा? Internal orbital. Outer orbital कौन सा है? 2s2. मैंने 2s2 के दो इलेक्ट्रॉन बना दिए. कितने unpaired हैं? Unpaired zero. जीरो पर बॉन्ड कितने बनाने हैं? दो. तो कितने अनपेड चाहिए? दो. तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चले गया, ये इलेक्ट्रॉन आगे गया, तो अब अनपेड कितने हो गए? दो. दोनों पे कौन लग गया आके? क्लोरीन का अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए? एस एन पी. एस एन पी की तो हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी. शेप एसपी लीनियर. लीनियर. तो शेप जो लीनियर है, आप लीनियर बनाएंगे, एंगल 180 लिखेंगे, साथ में ये लिखेंगे लीनियर, और इसको अंडरलाइन कर देंगे कि इम्पोर्टेंट है। बोलिए समझ आया? यस यस सर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन, ये जो आपने बॉक्सेस बनाए, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन आगे चले गया तो एक्साइटेड हो गया। बोलिए पहले ये वाला नोट करिए, ये वाला जो साइड पे, ये वाला, ये वाला एग्जांपल हम करें BeCl2। Done, sir. सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay, I'll solve many questions. Just wait. मैं रब कर दूं? Yes, sir. चलो, I'll go back and take some space. यहाँ पे मैं एक example और करके दिखा रहा हूँ, ये देखो। अब मैं ले रहा हूं, BH3 सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1। 1s2 तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 2s2, 2p1। This is called ground state. ये 2s है और ये 2p है। कितने unpaired हैं? सर एक। Bond कितने बनाने हैं? सर तीन। तीन। तो match नहीं हो रहे, तो ये electron आगे चले जाएगा। ये electron जब आगे जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? Excited state. अब कितने अनपेड हो जाएंगे? थ्री। तीन। थ्री। हमें बॉन्ड भी कितने बनाने हैं? थ्री। तीन। इधर कौन लग गया? इधर हाइड्रोजन लग गया, इधर भी कौन लग गया? ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है जो ऑरेंज है, तीनों पे हाइड्रोजन लग गए। ये ऑर्बिटल था एस और ये पी। बताइए कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए? एस एंड पी।
एक एस का और पी की कितनी यूज हुई सर टू SP2 की शेप क्या होती है ट्राइंगल प्लेनर ट्राइंगल प्लेनर हमने ट्राइंगल सॉरी BH3 हमने ट्राइंगल प्लेनर बना दी ट्राइंगल प्लेनर में एंगल कितना होता है 120 डिग्री पूरा ट्राइंगल पूरा कर दीजिए इस तरह से एंगल आप कहीं किसी तरफ भी लिख सकते हैं हम यहाँ लिख देते हैं 120 डिग्री इट्स ट्राइगनल प्लेनर एक और चीज ये यहां तक तो करना ही करना है अब जो मैं बता रहा हूं अगर आप कर देते हैं देन इट इज गुड एक्स्ट्रा गुड ये वाला ऑप्शनल है जो बता रहा हूं एक एस का दो पी के तीन बने SP2 के तो ये SP2 होता है ट्राइंगल प्लेनर तो ये ऐसे आ गया पहला ये आ गया दूसरा ये आ गया तीसरा और ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन होता है 1s1 दिस इज स्फेरिकल तो ये हाइड्रोजन आ गया स्फेरिकल ये भी हाइड्रोजन स्फेरिकल आ गया ये भी हाइड्रोजन स्फेरिकल आ गया हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है तो ये मैंने दो दो इलेक्ट्रॉन बना दिए ये जो मैं बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस इट इज नॉट क्लियर एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर ओके आई विल डू वन मोर थिंग I'll change the color. I'll take white color. यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ये बीच में दिस इज ट्राइगनल प्लेनर एंगल इज 120 डिग्री बोलिए समझ आया है सर ये वाला बनाना है yes, sir. सर ओनली फॉर गुड स्टूडेंट्स अब मेरे से मत पूछिए अब अपने आप से पूछिए बनाना है कि नहीं बनाना यहां तक तो बनाना ही बनाना नीचे वाला ये वाला पार्ट ये सर गुड स्टूडेंट्स के लिए इसको नोट करिए फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं करिए उतारिए फिर मैं वो वाले स्टेप्स करूंगा आइए लेट्स टेक दिस अ बेस्ट एग्जांपल जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है CH4 सबसे पहले क्या करना है कॉन्फिगरेशन किसकी कौन सर सी की कार्बन कार्बन इट्स 1s2 2s2 2p2 वैसे तो हाइड्रोजन की भी लिख सकते हैं आप हाइड्रोजन की पहले लिख दो चाहे ज्यादा यूजफुल नहीं होती पर लिख दो कार्बन कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा 1s2 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2p में कितने बॉक्सेस बनाने हैं इलेक्ट्रॉन होंगे 2 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर 2 सर दिस इज कॉल्ड अनपेयर्ड दिस इज कॉल्ड पेयर्ड पेयर एक का होता है दो का होता है दो को होता है सर एक को क्या बोलेंगे अनपेयर्ड मेरा क्वेश्चन सुनिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं
दो यस सर टू पर बॉन्ड कितने बनाने हैं चार फोर फोर ग्राउंड ग्राउंड स्टेट में काम नहीं चला इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा एक्साइट करना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट अब बताइए कितने अनपेड हो गए चार अनपेड हो गए ना तो चारों में हाइड्रोजन का अब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये पहला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया इधर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया ये हाइड्रोजन का अब बताइए कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं एस एन पी एस थ्री थ्री तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई sp3 की शेप क्या होती है टेट्राहेड्रल तो ये हमने टेट्राहेड्रल बना दी एंगल कितना होता है 109 degree 28 minutes यहां तक तो हर बच्चे ने करना अब अच्छे बच्चों के लिए एक एस का ऑर्बिटल तीन पी के ऑर्बिटल चार ऑर्बिटल बन गए एसपी थ्री के एसपी थ्री टेट्राहेड्रल होती है तो टेट्राहेड्रल के लिए हम व्हाइट कलर ले लेते हैं ये लीजिए पहला ऊपर की तरफ ये इस तरफ ये इस तरफ हाइड्रोजन की शेप क्या होगी हाइड्रोजन तो 1s1 था तो स्फेरिकल होगा तो ये चार सफेद लगा दिए एक दो तीन चार अब मैं आपको दोबारा बना के दिखा रहा हूं इसी को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं सो दैट हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी डाल सके अभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह नहीं है तो मैं आपको एक बार दोबारा और बड़ा बना के दिखा रहा हूं एंड ये पहला लिया ये दूसरा लिया ये तीसरा लिया ये चौथा लिया ये आपका हाइड्रोजन आ गया ये हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है और सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दो दो एक दो एक दो एक दो और ये एंगल कितना हो गया 109 degree 28 minutes पूरा लिखना है टेट्राहेड्रल सर जितना लिखेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे बोलिए समझ आया सर Yes, sir. Yes, sir. फिर yes, sir. जल्दी से इसको yes, उतारिए इसको जल्दी से उतारिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप ट्राई करेंगे अब आप करिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं हम यहाँ साइड पे पहले इसको रब कर देते हैं आपको क्वेश्चन दे रहे हैं SiH4 सिलिकॉन हाइड्राइड SiH4 सिलिकॉन का नंबर 14 होता है ट्राई करिए मैं आपको SiH4 की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखा रहा हूं SiH4 सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 इट्स 1s2 2s2 2p6
3s2 3p2। हाइड्रोजन की भी आप लिख दीजिए, इट्स 1s1। ये वाले ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे सर, क्यों? 3s2 3p2 सर, ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे पहले के तीन? सर ओनली आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, नॉट द इनर ऑर्बिटल्स। ओके सर। आउटर, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? What is the maximum principal quantum number? It's 3. So 3s2 mein principal quantum number kaun sa hai? 3. 3p2 mein principal quantum number kaun sa hai? 3. To sabse bada principal quantum number kaun sa hai? 3. To 3 wale participate karenge, 2 wale nahi karenge. To ground state mein ye 3s ho gaya, ye 3p ho gaya. Kitne unpaired hain? 2 अनपेड सर, अनपेड होते हैं जो अकेले हैं। कितने अकेले हैं? ओके, दो दो। पर बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4 5 s i h 4 नहीं, चार बनाने हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होके जब आगे जाएगा अब कितने अनपेड हो जाएंगे? 2। कितने कितने एक्साइट हो, कितने अनपेड हो गए सर बताइए? सर सर अनपेड क्या होता है? दिस इज कॉल्ड अनपेड यार, एंड दिस इज कॉल्ड पेड। हाउ मेनी अनपेड आर देयर सर? 2 इन एक्साइटेड, 1 1 4 सर। एक एस में, एक एस में, 3 पी में। ओके सर, दिस इज 1, आई विल चेंज द कलर सर, दिस इज 1, yes or no? This is 2, this is 3, and this is 4. How many unpaired are there? 4. अब bond भी कितने बनाने हैं? 4. 4. अब चारों पे कौन आके लग जाएगा? Hydrogen. Hydrogen. ये hydrogen लगा. ये hydrogen का electron है. ये hydrogen का electron है. ये hydrogen का electron है. अब आप ये बताइए, कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? एसपी, एस का एक हो रहा है, एंड पी के 4, एस का एक हो रहा है, पी के 3, पी 3 3। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? एसपी 3, एसपी 3, एंड व्हाट इज एसपी 3? टेट्राहेड्रल, इट्स टेट्राहेड्रल। एंड व्हाट इज द एंगल? 10928 सेकंड। इतना तो करना ही करना है, लिखना भी है टेट्राहेड्रल। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप करेंगे, अगर आप करें तो ये ऑप्शनल है जो मैं आगे कर रहा हूं। एक एस का, 3 पी के, 4 ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, जो चारों बनेंगे उसका नाम होगा sp3। sp3 इज टेट्राहेड्रल, तो आप ऐसे टेट्राहेड्रल बनाएंगे। जस्ट अ मिनट, थोड़ी स्पेस ज्यादा चाहिए। 1 2 3 4, और चारों पे हाइड्रोजन लग जाएगा और अगर आप ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बना सकें फिर तो और भी अच्छी होता। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, हम ये बना रहे हैं, ये हमने यहाँ पे बनाया जो येलो कलर में दिख रहा है। एंड एंगल इज 109 degree 28 minutes। दोबारा लिखना है और पूरा लिखना है, इट्स टेट्राहेड्रल। क्या लिखना है? टेट्राहेड्रल। बोलिए क्या आपको क्लियर हो गया है? यस सर। ओके चलिए, क्या हम आपको एक और टाइप सिखा दें? हम यस सर। ये वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये आप ट्राई करेंगे। कौन सा दिया था? MgH2। यस सर, हो गया सर। क्या आंसर आया इसका? सर इट विल बी लीनियर। लीनियर एसपी आ रहा है? यस सर, एसपी। दैट्स फाइन, वेरी गुड, इट्स करेक्ट।
मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब मैं टाइप टू के क्वेश्चन करा रहा हूं। ये टाइप टू है जिसमें लोन पेयर होगा, जिसमें लोन पेयर होगा लाइक अमोनिया। याद करिए अमोनिया में लोन पेयर आता था। यहां अपने आप आ जाएगा सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन एंड अदर एटम इज हाइड्रोजन। इट्स 1s1, इट्स 1s2, 2s2, 2p3। कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? 1s2। कौन पार्टिसिपेट करेगा? 2s2, 2p3। How many unpaired are there? Sir, three. How many unpaired are there? Sir, three. Bond कितने बनाने हैं? Sir, three. फिर तो बड़ा ही अच्छी बात है, हमारा काम वैसे ही चल गया। तो इधर पहला हाइड्रोजन आ गया, इधर दूसरा हाइड्रोजन आ गया, इधर ये कौन सा ऑर्बिटल है? S। और ये P, ये गिनना है, इसको काउंट करना है इसको। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? ये लोन पेयर बनेगा, ये वाला क्या बनेगा? लोन पेयर। यूज नहीं हुआ ना, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर टू। देखो दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया, ये वाला, ये दो इलेक्ट्रॉन, और ये तीन हाइड्रोजन लग गए। नेम क्या होगा? दिस मॉडिफाइड टेट्राहेड्रल। मैंने आपको बताया था क्यों, जिनमें लोन पेयर होता है, जिनमें लोन पेयर होता है उनकी शेप क्या होती है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। उनका एंगल थोड़ा सा बड़ा होता है। हाँ, इसमें एंगल इसमें लिखना नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये वाला एंगल 107 होता है, वैसे याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिखना नहीं है। अब इसकी दूसरी शेप कैसे बनेगी, याद देखिए, दूसरी एक एस का, तीन पी के, चार sp3 के। sp3 तो टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तीन हाइड्रोजन लगाने हैं। जनरली लोन पेयर ऊपर की तरफ रखते हैं, तो हाइड्रोजन नीचे लगा देंगे, एक दो तीन। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, इसको थोड़ा जस्ट थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, सो दैट हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लगा पाए। ऐसे बनाते हैं 1, 2, 3, और इसके अंदर हम लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे एक इलेक्ट्रॉन, दो, एक, दो, एक, दो। ये जो बीच में बनाया वो ये है, तो ये हमारा लोन पेयर है। इस पे दो डॉट्स लगा दिए, दो डॉट लगा दिए, लोन पेयर है। दिस व्हाट लोन पेयर, लोन पेयर, एंड दिस इज डिस्ट्रॉटेड टेट्राहाइड्रल, डिस्ट्रॉटेड टेट्राहाइड्रल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बोलिए क्या आपको ये क्लियर हुआ? यस सर। क्या आपको लोन पेयर वाला क्लियर हुआ? हाँ जी सर। सर जितने क्वेश्चन करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पहला समझ आना चाहिए 70-80%। जब आप द्वारा करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। अब जो इन्होंने नोट कर लिया वो PH3 करे, PH3 करिए नोट। Now, most important question, that is water. इसको हम क्लियर कर देते हैं।
वाटर. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार वालों वाटर, हाइड्रोजन 1s1, ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4. सेंट्रल एटम कौन होगा? सेंट्रल एटम कौन होगा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो 1s2 तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, 2s2, 2p4. कितने अनपेयर्ड हैं? टू. बॉन्ड में कितने बनाने हैं? टू. तो एक्साइट करने की जरूरत ही नहीं है, एक्साइट करने की जरूरत ही नहीं है. तो यहाँ पे कौन आके लग जाएगा? हाइड्रोजन. यहाँ भी कौन लग जाएगा? हाइड्रोजन. ये क्रॉस भी नहीं मारना, ये तो आपको समझाने के लिए. यहाँ पे क्या लिखना है? ग्राउंड स्टेट. तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? लोन पेयर. ये भी क्या है? लोन पेयर. एक एस का 3 पी के. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? लिसन, ये काउंट करने हैं. जो लेफ्ट साइड वाले लोन पेयर हैं, ये काउंट करने हैं. ये भी काउंट करने हैं, ये भी काउंट करने हैं, ये भी काउंट करने हैं. ये लोन पेयर हैं. आप बताइए कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए? एक एस का 3 पी के. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? sp3. sp3 में ये जो लिसन, ये जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड दिख रहा होगा, ये बॉन्ड पेयर हैं. ये क्या है? बॉन्ड पेयर. लोन पेयर दिखा रहा हूं, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है. अब बताओ जो व्हाइट वाले हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, जो रेड वाले हैं वो लोन पेयर हैं. मैंने रेड भी चेंज कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं, कोई गलती ना लगे. ये ग्रीन वाले लोन पेयर हैं. लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टू. टू. देखो दोनों में दो दो हैं. ये जो व्हाइट एरोज हैं, ये बॉन्ड पेयर्स हैं. दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, टोटल फोर इलेक्ट्रॉन. फोर इलेक्ट्रॉन पेयर. तो फोर में शेप क्या थी? टेट्राहेड्रल. sp3 में भी क्या होती है? टेट्राहेड्रल. ये टेट्राहेड्रल ही बनेगा. आइए मैं दिखाता हूं कैसे. ये आपका नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन तो नहीं लेना, मैं तो वाटर बना रहे हैं. तो ये हम वाटर लेते हैं, कलर भी कोई और ले लेते हैं, लाइक व्हाइट ले लेते हैं. ये आपका ऑक्सीजन, ये दो बॉन्ड पेयर और ये दो लोन पेयर, और लोन पेयर में दो दो इलेक्ट्रॉन भी. शेप क्या होगी? डिस्ट्रॉटेड टेट्राहाइड्रल. एंगल वैसे याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है. इसका एंगल होता है 104 degrees 28 minutes. नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. बोलो यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस सर. ओके, अब मैं जो एडिशनल पार्ट है वो बता रहा हूं. बना लो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं. एक एस का ऑर्बिटल, 3 पी के ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल कौन से वाले? sp3 के. शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल. एक, दो, तीन, 4. 4 में से 2 तो लोन पेयर वाले हैं, ये तो लोन पेयर वाला है 1, 2. ये भी लोन पेयर वाला है 1, 2. यहाँ पे कौन लग जाएगा आके? हाइड्रोजन. इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. नेम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉटेड टेट्राहाइड्रल. बोलिए समझ आया है? यस सर. सर सेम ही है, उसमें एक लोन पेयर था, इसमें 2 लोन पेयर आ गए.
करिए इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। सर जो जाना चाहे जाएं, जो अच्छे बच्चे हैं वो रुके रहे। यस, H2S का भी डिस्ट्रॉक्टेड टेट्राहेड्रल आएगा, उम्मीद करते हैं आपने बना लिया होगा। आज के लिए बेटा इतना ही, सारा समझ आ गया आज का? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे आगे कराऊंगा, पर इस लेक्चर को एक बार अच्छे से दोबारा सुन लेना। यस सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी मत छोड़ देना इसको। ठीक है, अगला लेक्चर इसी पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। वीडियो कब आएगी? बाय बच्चे। हाँ जी बच्चे, इसकी वीडियो कब भेजोगे? वीडियो विद इन वन आवर अपलोड कर दूंगा बच्चे। ओके सर, थैंक यू। और यूट्यूब पे पब्लिक होगी, कोई भी देख सकता है। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग होगी वो भी 7:45 होगी आप?